सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हैं हम गुजरात सूरत ज़िले में हैं, तो यहाँ आज हम जा रहे हैं समुद्र घूमने। तो जा रहे हैं समुद्र घूमने, तो अब अभी हम हैं समुद्र जाने के रास्ते पे, ठीक है। तो ये गुजरात सूरत का रोड है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत ही रूल से चलता है। और अभी हम लगभग पहुँच ही चुके हैं समुद्र, ठीक है। ये है हमारा सूरत का समुद्र। इस जगह का नाम है डूमस, डूमस वाला समुद्र। तो यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है इसीलिए सब कुछ बंद है। यहाँ ज़्यादा ठेला वेला भी नहीं लगा हुआ है और सारा का सारा दुकान भी अभी फ़िलहाल तो उठ चुका है, क्योंकि समुद्र में बारिश के समय ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, बट सही है इतना होना चाहिए। तो जैसे कि अभी बारिश छूट चुका है और अभी हम जा रहे हैं थोड़े से, समझ रहे हो ना, अंदर अंदर नहीं नीचे। तो वहाँ एक मंदिर है लेकिन वो मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बारिश पानी कभी भी आ सकता है, समुद्र वाला पानी। तो मैंने देखा कि ये ऊँट तो मुझे ही देख रहा है, लगता है ये मुझे मारेगा। तो जल्दी से जल्दी हम वहाँ से साइड हो चुके हैं क्योंकि मुझे लगा कि वो ऊँट मुझे मारेगा, इसीलिए मैं वहाँ से साइड हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सामने है, तो इसीलिए एक एरोप्लेन देखें तो बहुत ही ज़्यादा नीचे से जा रहा था। कभी एरोप्लेन में चढ़े तो नहीं है, बट इतना नीचे से देखते हैं तो लगता है कि हाँ एरोप्लेन है। तो अभी सारा का सारा दुकान भी खुल चुका है और बहुत ही ज़्यादा लोग भी आ चुके हैं। ये है समुद्र और समुद्र का लहर। यहाँ
सो अब हम पूरा का पूरा समुद्र घूम चुके हैं, और पूरा का पूरा समुद्र घूमने के बाद हम जाने लगे हैं अपना रूम। तो बाहर जाते वक्त, बाहर जाने के रास्ते पे भी कुछ छोटा बड़ा दुकान लगा हुआ था, तो वो भी देख लिए हम। तो अभी आ चुके हैं हम पार्किंग के पास। अब पार्किंग से अपना ऑटो में चढ़ेंगे, और ऑटो में चढ़ने के बाद दिखाएंगे रोड। ऑटो में चढ़ चुके हैं और हम निकल चुके हैं बाहर। अभी हैं हम सूरत गुजरात के रोड पे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही ब्लॉग आने वाला है। जब तक मैं झारखंड नहीं चला जाऊंगा तब तक ऐसा ही ब्लॉग आएगा डेली। तो और कैसा लगेगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल ओम सत्या ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।